संगत जी परमिंदर कहता भी उठना नहीं, जे तुसी उठे ना सब तो गाया ही नहीं जाना। लातवा बोकरी चाहिए, मैं तुरदा फिरदा चंगा हूं। साडे विच ना बहुत ही सत्कारयोग नधड़क प्रचार वो साडी कुड़ी बीबी वीरपाल कौर खालसा समालसर वाले वो स्पैशल हाजरी भरन आए हैं। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता राजे तुम्हें जियो है कहना तुम बड़े प्यार ने सत्कार ने अपना जत्था लेके पहुंचे तो आप कोशिश करनी है संगत जी बेशक 10 मिनट वध लग जाने को कुड़ी तो कविता सुननी है बाद तो ना आप जान देना तुम किसी को हूँ आप बैठे परिवार वाले सारे कविता की जी सिफारिश आई है कि सानू गाया नू दवा बहुत चिर अज मैं तो भापा जी बिल्लू साहब इंज लगते हो बड़े ही चिर बाद गाने लगे सानू 10-11 साल हो गए सानू 11 साल बाद अज इकट्ठे गाने लगे तो ये तकदीर बारे जी गल है अच्छा संगत जी सिफारिशा दो वो दोनों सिफारिशा आप जी साझिया करांगा तो साढ़े बच्चे जिहड़े पहुंचे ने सत्कारयोग उस्ताद जी ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी अणखी साहब उन्होंने भी मैं बेनती करूंगा भी तुम 2 मिनट जरूर बोलना तो जाजक साहब न कहूँगा एक एक मिनट करके ना तुम हाजरी भरनी तो मैं बेनती करा भी तुम 2 मिनट पहले अपने ला लो तो उस बाद तुम 2 कविता सी लावा नवे पत्ते पुंगरने चाहिए है हाँ पुंगरने भी चाहिए तो जेडे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पुरानी सरों पुराना गुड़ पुरानी गुड़ी पुराना प्रचारक उन्होंने बहुत बड़ी गल हो और 20 रुपये कि वी गल कहते 20 रुपये भी बाबा कहता भी 20 रुपये ले जा ढाडिया की सेवा कर ला सची संभाल जी ये दी असली 20 रुपये आओ हम सिफारसा सा 2 भी 2 लाने मैं लैक्चर कोई नहीं करना लैक्चर सारे ने सुनिया हो गल जरूर दसागा भी होनी साडा गीत है जिदे उत्ते बीत जामे होणगे छड दी ना पल्ले विच कख जो स्टेज ते खड़ के कदे गाउणा ना अलबेला जी ने लैक्चर इहो जिहा करना संगत ने अखां विच पाणी छल जाणा जदों असीं गाउणा दोनों ने मैं ते पापा जी ने असीं स्टेज ते कदे प्यो पुत नहीं स्टेज ते असीं इक दूजे दे दुश्मण रहे वी खह के गाउणा इक दूजे नूं पर हेठ असीं प्यो पुत सहौर पिंड असं गाउन गए बैठे परमिंदर होनी परमिंदर छोटा जहा से जगविंदर होनी बैठे ने तो मेरा माड़ा जहा गल खराब तो स्टेज पर असी कविता लाई से दोवें भाई पट्टी के नंबरदार जी तो पापा जी ने हेक लाई बहुत उच्ची तोह तो लिया तो कविता भी उच्ची तो वो एक उदाहरण तरह उच्चा जाता से मैनू इन्होंने लाया तो मैं थले कह तरीके कहते आ खै बुड़े ना हो हूँ किधर जाना मतलब कि इन्हों की इन बुलंद आवाज से हूँ तुम आप फोटो बारे जानकारी दसना क्या जी अलबेला जी की फोटो रैक्सडेल 2007 के गए टोरंटो मैं ते लाली असल च ना इन्हों की जो पग बन लेंगे मैं इन्हों की पग के बाज मार दूंगा पग न समार देना रहने देने दे गुस्से च पैना उन्होंने मैं सुभा चंगा सी ज्यादा मतलब गाल कट के मैंने उन्होंने पकारना प्यार ला एक दिन उन्होंने असी मैं पानी मार के ना दाड़ी ते मुछा ते उन्हों की फोटो है पूरी मुछा मुछा बन दी दे बाद अभी फोटो कर लगे ए जी फोटो पी ए 6-7 फोटो मेरे को वो कह लगा रहने देने दे बकवास करना है एवं फोटो खिंची जाना यह जी फोटो कदम भोगते पी होती अंदरों मन सड़क यह जी फोटो कदम भोगते पी होती है लाली ने फोटो खिंची मैं मतलब तैयार करेस्टल गोरदर के तो साढ़े बच्चे मेरे वीर बैठे ने सतपाल बराड़ जी जेडे अपने टीवी चैनल के उत्ते अज लाइव कर रहे हैं तो इन्होंने साढ़े धीया के मापे तो होर कई फिल्म इतने बनाई ने तीसरी कंपनी चो भी पहुँचे ने मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा तो मेरा वीर है एच बी भदौड़ वाले हरबंस सिंह जी उन्होंने भी टीवी चैनल चल रहे उन्हों का यूट्यूब चैनल भी है तो उन्हों का पेज भी है
साडा अपना जो यूट्यूब चैनल है सरंगी नगली उहदे उत्ते भी गुरप्रीत गोपी हठूर वह तैयार कर रहे हैं। तो यह गीत आ जिहड़ा जिहदे उत्ते बीत जावे होणगे छड दी ना पल्ले विच कख नहीं। एक होर जिक्र कर देवा, बहुत टाइम नहीं लैना। अलबेला जी की लिखत नाल दी किसी की लिखत नहीं है, वो तुसीं कहोगे सारे लिखते हैं। ज्ञानी जी साडे च विद्वान बैठे ने, साडे वड्डे ने, हरेक बंदा कविता लिखता है, लेकिन एक तूफान वेला ते अलबेला जी उन्हां तों पहला सी, इन्हां तों पहला करनैल सिंह जी पारस रामू वाली जो कविता मनुख लिखता ना कवि, वह सिर्फ तो सिर्फ कविता के बंद लिखता भी दबा दबा पूरा कर देना। कविता तशबीह देनी, उदाहरण दे के एग्जाम्पल दे के लिखना, उन्होंने कहा जाता असलियत विद्वता कविता। जिमें उन्हों का गीत सगा अलबेला जी का नछत्र सत्ते ने जो गीत गाया ना, मंदड़े बोलना बोलवे सज्जना मंदड़े बोलना बोलना, वो गीत से एक सभ्याचार गीत है भी वो कोई कुड़ी कहती है भी किसी के घर चला गया, ये हो गया वो हो गया, कोई इस तरह दस वह लैक्चर लिखा उतों से। तो नछत्र सत्ते ने उन्हें नगर कीर्तन बुक कर लिया पखो पिंड का। पखो पिंड जो गए तो वो गीत मुक् गए तो अलबेला जी ने कहता मेरा तो गीत मुक् गए हूँ, वो कहता तू मदड़े बोलना बोला, वह कहता गंदा गीत है वो नहीं लगना मेरे को छत्ता, कहता कहता मैं लवाना। अलबेला जी ने गीत लवाया, कहते भी जो गया ना मरदाना पानी को बली कधारी को गया पानी लैन, तो वो जो उतो मूहरों बोलन लग्या भी तेरा नानक मैं बड़ा बाबा नानक वो पानी पंगावे, तो जो गलत शब्द बोलिया कहता फिर मरदाना चीक चीक के कहता मेरे गुरु को कुछ ना कह मंदड़े बोलना बोल सजना मंदड़े बोलना बोल, मतलब दोनों च कला से जे गीत लिखिया उन्होंने कोई तुरै जाता है वो छत्ते ने गाया गीत तुर गया सोना साड़ी जिंदन आले लै गया मिला गए जरूर कदे जाता होया कह गया, यह होनी तो भी टुकदा कोई साडे च बिछड़ जाता है तुरे जाते ताई इन्हां अखां नाल तकिया आवाज भी ना मारी ना मैं मूहरे होके डकिया मन अफसोस इसे गल का ही रह गया मिला गया जरूर कदे जाता होया कह गया। जे उन्होंने गीत लिखे तो पूरी तशबीह दे के लिखे, जिमें होनी तो गीत है भी होनी की करती है, होनी यह जी बलवान है उन्हें साधु संत महात्मा पीर फकीर औलगे जोगी जंग अतीत मेवड़े सारे खा लिया, तो अजय भी जेडे मार में आते हैं होनी छड़ दी नहीं होनी बलवान है। तो होनी बारे अलबेला जी लिखते हैं होनी की करा रही ने, वो गीत जो रिकॉर्ड गीत है वो मिठी आवाज सुरीली आवाज शहद गुड़े तो मिठी आवाज मेरे सरकार योग पिता जी ज्ञानी बलदेव सिंह जी बिल्लू वो अज असी 11 साल बाद दोनों जाने कट्ठे ते नाल सतनाम सिंह लाली वो पेश कर लगे जिदे उत्ते बीत जावे होणी।
ਸੁਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਅੱਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਦੂਰ ਦਾ ਸਜਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਾਬ ਹੋਈਆਂ ਲੱਟੀਆਂ ਸੁਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਅੱਤੀਆਂ ਭੈੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਪੱਜ ਜਾਣੀਏ ਭਲਾ ਚਿੰਨ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਏ चाचा बैठा वह मेनू कहता भी तेन दू 100 रुपया बिल्लू दू 500 हूं चाची मेरी गई भी है आस्ट्रेलिया हूँ मैं सोचता भी चाची मैंने कहते तेन पैसे भेजने तो देखी तेरा चाचा किन्ने दिता है हूँ मैं देखता भी 400 रुपया कि वह भी मैंने दिख जाता बिचे बैठा लड़े बहुत बहुत धन्यवाद जी असल च ना जो नाल गाई जाएगी उमें आवाज का बेस आ जरा बनया रहा सानू अपने आप गाया ही बहुत लंबा समा हो गया मैंने भी बहुत चिर हो गया जो ज्ञानी जी ने मैं लैक्चर कर लाता ना अनकी साहब ने मैं मुड़ के गाया नहीं तो जो श्री अमेरिका जथा बनाया मैं इन्होंने नाल गए से तो इन्हों तो मैं सीखिया कुछ असल जी मेरी जिंदगी बदली है वो इन्हें करके इन्हों प्रॉब्लम आ गई इन्होंने कनेडा जाना से अपने बच्चों को कनेडा रेंदे ने तो अमेरिका से असं तिने जने रह गए वो जरा नाल का साथी है हूँ गीत भी असल चो ही आना जो अगली सिफारिश है मैं जोर लगा थकिया नहीं तो ना बदली तकदीर है तकदीर है जी बंदे कितने की कितने लै जाए अलविला जी के शेर वह बागी साहब पढ़ के गए रहे हरजिंदर सिंह जी तकदीर चंगी तकदीर माड़ी हूँ तकदीर दलां ने मैनू भी मेरी अपनी तकदीर से माण करना भी मैनू इन्हों के चरणों में बिल्लू साहब तो अलविला जी के चरणों में रह के सेवा करने का सबब बनया तो मैं अपनी तकदीर चंगा बना गया मैं एक गरीब घर में पैदा होया पढ़िया मेहनत करी पढ़ के जो असं इकट्ठे हुए तो पापा जी ने बिल्लू साहब ने मेरे सिर ध्यान रख दिता तो सब तो पहला मैं एक खंजरी भी आना हों तो सब तो पहला ढाडा ने ढैपी पिंड मैं दी थोड़े नाल कट्ठे जो तो ढड तो बस मैं ऐसा गैर मिलया हौली हौली अज तक इन्होंने पता नहीं जहाजा के किन्ने झूठे दवा तकदीर की गल ही है भी तकदीर इन्नी हूँ साडा तिना का जोड़ा जत्था से नाल से अलबेला जी दे अलबेला जी के नाल जो गाँवना ना आनंद आ जाना आनंद मैं अगे भी दसदा हूँ भी कदम जिम्मे जत्थे आदे मैक को हाथ नहीं छपा देंगे अलबेला जी ढाडी जो गाँव है ना तो सारे छोटे मेरे तो बैठे हो कुछ मेरे तो जूनियर है कुछ सीनियर है जो मनुख हेक लाऊगा ना ढाडी कोई भी एनू फड़ के मैक में फड़ के इन्हों उसताद गल् दसन दिया भी समझ लो अणजान है बंदा जर गया ज्यादा डर गया भी इनू हूँ भी डर गया मूहे ढाडी बैठे है जब मेरी हेक नहीं लगनी मेरा आवाज खराब है उदो कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई चाल चलूगा जी हेक है हूँ दस रहे पापा जी हेक जेड़ा बंदा सह ले गया वह हेक नहीं हेक होंगी है लंबी झील भरनी जिन्होंने कहने हेक में लंबा लेके जाना एक सह के हेक लाई होंगी है हेक
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੀ ਘੁੰਡ ਸਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਿਕਲ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗੋੜ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਬਣਾਇਓ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਲਵੇਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਓ ਉਹ ਗੀਤ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।